बट आई वॉर्न यू, कोशिश भी मत करना उस रास्ते जाने की जहाँ ना तुम्हें वेलकम किया जाएगा ना एक्सेप्ट किया जाएगा। और तुम्हें इन दोनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ जी, मुझे एक छोटे से हॉल के बारे में पता है, कुमकुम भाग है, वेडिंग हॉल, एंड आई लव देम ऑल सिवाय एक, दैट वन। वो दी, दादी ने हमें खाने पे इनवाइट किया था, हम दादी की इज्जत करते हैं इसलिए यहाँ तक चलकर आ गए। लेकिन एक बात तो तय है, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना हम छुएंगे तक नहीं। ये फोटोग्राफ जो मैंने तुम लोगों को दिखाई है, नोटरी क्लब के चेयरमैन मिस्टर खुराना की बेटी है, और अगर ऋषभ की शादी इस लड़की के साथ हो गई तो ये रिश्ता हमारे बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कोई नहीं, करण के लिए तू लड़की पसंद कर लेना। मम्मी जी, मेरा बड़ा मन था कि मेरे ऋषभ के लिए मैं बहू अपनी पसंद की चुनूं, लेकिन अब तो मामला डावाडोल लग रहा है मम्मी जी। करीना ने जब भी इस घर के लिए फैसला लिया ना, इस घर की भलाई के लिए लिया, और राखी हर चीज ना दिल की नहीं सुनी जाती, कभी दिमाग भी यूज करना पड़ता है, समझी? ओ, दिमाग बहुत है तेरे अंदर, बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी ऋषभ की शादी तो करानी है ना तूने, अब इस लड़की से या किसी और से की फर्क पड़ता है? टेंशन ना ले, मैं जरा न्यूज देख लूं। मैं तेनु देख, ओ मम्मी जी आप कर क्या रहे हो? सीरियल ही देखूंगी, ले फोटो और देख दरा। सृष्टि, सृष्टि कहाँ चली गई? 12:30 बज रहा है, देख क्या थे? तेरे रोने से अगर कुछ फायदा होता है तो मुझे बता दे, मैं भी रो लेती हूँ तेरे साथ। तो आप ही बताओ जी, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। म्यूनिसिपैलिटी का बिल 3,00,000 रुपए, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया अम्मी जी, अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए ना तो हमारे कुमकुम आगे मैरिज हॉल पे सील लगाते क्यों? कहाँ से लाएंगे बीजी इतने पैसे? अपना हॉल ही रहेगा तो हम क्या करेंगे बीजी? हम तो सड़क पे आ जाएंगे ना। ऊपर वाले पे भरोसा, उसने मुसीबत भेजी है, कोई ना कोई रास्ता वो निकालेगा। आपको तो पता है बीजी, इस हॉल के सारे ही सब कुछ चला है हमने, बच्चों की पढ़ाई, दोनों बेटियों की शादी, हमारा खान पान सब कुछ उसी से चलता है बीजी। अगर अगर हॉल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम तो सड़क पे आ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान कितनी परीक्षा लेगा हमारी बीजी, कितनी। और क्या हुआ आपको, खांसी आ रही है? रुको मैं पानी लेके आती हूँ, रुक जाओ। पता नहीं आपने पानी भी आ नहीं रहा कमरे में। सृष्टि को ढूंढने गई थी और सरला जी की सारी बातें सुन ली। इस तरह छिप कर किसी की बातें सुनना अच्छी बात है क्या? मुझे वहां रुकना नहीं चाहिए था। तू भी ना, लेकिन देखा जाए तो ठीक ही हो रहा है उनके साथ। हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है और हमसे पैसे मांग रही थी, अब खुद तंगी में आ गई। ऊपर वाले ने भी अच्छा सबक सिखाया उन्हें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पैसों की तंगी पहले से ही हो, इसीलिए मजबूरी में आकर उन्होंने हमसे पैसे मांगे हो? क्योंकि इतना तो मुझे पता ही है कि माँ और दादी के लिए कुमकुम भाग्य हॉल कितना मायने रखता है। अगर वो हॉल उनके हाथ से चला गया तो उनकी तो कमाई ठप पड़ जाएगी। ओह गॉड, दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। 3,00,000 कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत पैसे होते हैं। कहाँ से इकट्ठा करेंगे बेचारे, वो भी एक हफ्ते के अंदर? चाहे जो भी हो, माँ कैसे भी बिहेव करे हमारे साथ, कितना भी एटीट्यूड दिखाए, हमसे पैसे मांगे, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आज हमारे सर पर छत है तो उन्हीं की वजह से, वरना मैं और सृष्टि इतने बड़े शहर में कहाँ भटकते, किसका सहारा मांगते? चाहे वो जैसे भी हैं तो मेरी माँ, और मैं उन्हें इतनी मुसीबत में तो नहीं देख सकती। मुझे जो भी हो पाएगा मैं उनके लिए करूंगी। हाँ, मैं अपनी माँ की मदद करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। खुद तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन खाना कितना टेस्टी बना लेती है। इतना टेस्टी खाना,
पर सारा खा लिया तो पता तो नहीं चलेगा ना कि मैंने खाया है। नहीं नहीं, ये खीर, उफ, इसमें काजू किशमिश मावा, सब है मेरे फेवरेट, सब कुछ है, सारी खीर खा जाऊंगी। नहीं, एक कटोरी खीर बाकी रखती हूँ, उसमें पानी मिला दूंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने खीर खाया है, और ले लेती हूँ। नहीं सरला, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती तू, कुछ भी कर कर अपना कुमकुम भाग्य हॉल हमें बचाना ही होगा। दो और बच्चियां भी हैं तेरी, उन्हें उन्हें पालना है, उनकी शादियां अच्छे से करनी है, पैसा तो लगेगा, पैसा कमाना है तो वो तो सिर्फ उस हॉल से ही हो पाएगा। अपनी बेटियों के लिए इस मुसीबत से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कुछ भी कर कर ये करना ही होगा। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हमारे घर में चमत्कार, मतलब आज हमारी दादी बिना किसी के कहे अपने आप खुद बखुद एक्सरसाइज कर रही हैं। आई मीन दिस इज समथिंग मैजिकल। क्या करें, हिटलर का फोन आया था। हिटलर कौन? तुम्हें नहीं पता? नहीं। हिटलर ने पुनर्जन्म लिया है और इस जन्म में उसका नाम प्रीता है। दादी, अच्छा मुझे लगा था कि वो आपकी सिर्फ फिजियो है, मुझे नहीं मालूम था कि उसने आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। हंस लो, कर लो मजाक, पर उसने मुझे सुबह फोन करके कहा कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, पर ना वो तो मेरा दिमाग चाट जाएगी कि आप जिद्दी हो, आप पैर ठीक करना नहीं चाहते, ये है वो है। माय गॉड। अदी, आपको नहीं लगता कि लाइफ में पहली बार आपने किसी की सुनी है? मतलब कोई दादी के खिलाफ जाए और हमारी दादी उसकी सुन ले, ऐसा तो मतलब इम्पॉसिबल है। क्या बात कर रहे हो, मैं तो सबकी बात सुनती हूँ। रियली? नहीं सुनती। वैसे एक बात बताऊं, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे मैं एक बात बताऊं, वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। मुझे पता है। सर, मैंने वो कुमकुम भाग्य हॉल बुक कर दिया, अब हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां कर सकते हैं। अच्छा, वो ये बुकिंग हो गई, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वैसे सर, एक बात कहूँ, थैंक यू तो प्रीता मैम के लिए बनता, मुझसे तो गलती हुई थी। ठीक है, तुम कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंगली सारा फर्नीचर वहां पे एडजस्ट करवा दो। I'll call you later. Okay, sir. हाँ, थैंक यू तो बोलना पड़ेगा प्रीता को। अरे मेरी बात सुनो प्रीता, मुझे प्रीता सुनो मेरी बात, यहाँ पे सब कुछ messed up है, ना dress decided है ना shoes decided है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तुमने promise किया था प्रीता कि तुम आके मेरी help करोगी। हाँ हाँ, देखो जल्दी करो please, okay? I'm waiting. वैसे एक बात बताऊं, वो इतनी भी बुरी नहीं है। सर, मैंने वो कुमकुम भाग्य हॉल बुक कर दिया। वैसे सर, एक बात कहूं, थैंक यू तो प्रीता मैम के लिए बनता है। अगर मुझे सिलेक्ट करना होता तो इस लड़की को चूज करते। इसके चेहरे पर एक सादगी है। इनको देख के आपको ऐसा नहीं लगा मानो प्रीता खुद अपना डिस्क्रिप्शन दे रही हो आपकी होने वाली वाइफ के रूप में? एक नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैडम ऑटो किस तरफ जाना है? मैडम कुछ जरूरत की चीजें लेने में खत्म हो गए, कुछ आने जाने में, एक आखिरी 20 रुपए बचे थे जो सृष्टि को दे आई। सृष्टि ले, 20 रुपए रख ले, 2 बड़ा पाव ले लियो, एक अभी खा ले और एक चाहे तो लंच टाइम में खा लियो, ठीक है? अरे क्या हुआ,
मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाया? मैंने सुना बहुत टेस्टी होता है। दी, मैं सब समझ रही हूँ। ये 20 रुपए ना आप अपने पास रखो, इससे बस की टिकट ले लेना, वरना कुछ खाने के लिए ले लेना। वैसे भी आपने कुछ नहीं खाया है रात से। मैंने तो थोड़ा बहुत खाया है। मेरा मतलब है हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है ना, तो बड़ा प्रॉमिस दी, आज रात को ना खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू। सुशी, मुझे समझ नहीं आता तू क्यों इतनी टेंशन लेती है। अरे वो दादी है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि लाफ्टर क्लब से आते हुए मुझे मेन रोड से पिक कर लेंगे, और जहाँ मैं काम करने जाती हूँ वहाँ तो मुझे बिठा कर नाश्ता कराते हैं। बिल्कुल मानते ही नहीं, मना करूँ तो भी। तो मेरे पैसे तो लगने ही नहीं वाले। तू ये पैसे रख और कुछ अच्छा से खा ले, ठीक है? और मैं लेट हो रही हूँ, बाय। अरे तू सुनो तो सही। बाय बाय बाय। लेकिन ऐसे बहाने बनाकर कब तक चलेगा? रोज के खर्चों के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। खैर मेरा तो कुछ नहीं, रोज पैदल चलूंगी तो वेट कम हो जाएगा। लेकिन सृष्टि, उसको तो भूख लगती है ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन हमसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में तो माँ है। अगर एक हफ्ते में हॉल को नहीं बचाया तो माँ और दादी अपना गुजारा कैसे करेंगी? वो तो पूरी तरह टूट जाएंगी। हेलो, हाँ बस पहुंच गई। ये रहा। नो मम्मा, मैंने कहा ना आपसे मुझे ये नहीं पहनना है। अब इस नेकलेस में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मम्मा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब देख रहे हो ना, मेरी एंगेजमेंट है मम्मा, मुझे यही नहीं पता कौन सी ड्रेस कौन से शूज क्या पहनूं। मॉम कुछ सही नहीं हो रहा है। आई एम रियली रियली वरिड। कृतिका, इसका भी सलूशन है बेटा। देख, पहले तू इसे सिलेक्ट कर ले, फिर अकॉर्डिंगली हम तेरे कपड़े और शूज को भी कंफर्म कर लेंगे। लिसन, ये कोई मामूली नेकलेस नहीं है। इसे पहले मेरी मॉम ने उनकी सगाई में पहना था और फिर मैंने अपने एंगेजमेंट में। It's an antique piece, beta. Mom, it's old-fashioned. You have to trust me on this. देख, सगाई किसकी है? तेरी। लोगों का ध्यान किस पे रहेगा? तेरे पे। और जब लोगों की नजर इस antique piece पे पड़ेगी ना, तो उनकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। Mom, हाँ? मेरी engagement है, jewelry exhibition नहीं। Come on, कृतिका, हर चीज में जिद। तुमने तो ठान ही लिए मेरी कोई बात नहीं माननी है। मैं तो भाभी को ही भेजती हूँ, वही तुम्हें हैंडल करेंगे। रोज की जिद हो गई तुम्हारी, हर चीज में जिद करने लगी हो आजकल। एंड यू जस्ट डोंट वांट टू। आई एम सॉरी, चला करो। प्रीता, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? एनीवेज चलो 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 अंदर चलो। स्टूपिड ना हो तुम। आई एम सॉरी, मैं बस। इट्स ओके, इट्स ओके। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, आज मेरी एंगेजमेंट है और मुझे नहीं पता कौन सी ड्रेस कौन से शूज पहनूं। और ऊपर से मॉम, ये देखो, मेरी मॉम चाहती है कि मैं ये नेकलेस पहनूं। आई मीन देखो इस नेकलेस को, तुम ही बताओ कि इतना ओल्ड फैशन नेकलेस मैं कैसे पहनूं अपनी एंगेजमेंट में? मुझे नहीं पहनना ये नेकलेस। तुम ना एकदम मेरी छोटी बहन की तरह, वो भी छोटी छोटी बात पर इतना पैनिक करती है जैसे पता नहीं क्या हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस नेकलेस के लिए इतनी कंफ्यूज कैसे हो सकती हो। ये तो बहुत सुंदर है। सिर्फ जगमगाता है और बड़ा सा नेकलेस और कुछ भी नहीं। ऐसा जगमगाता है कि जो भी इसे पहनेगा ना, उसके चेहरे पर चार चांद लग जाएंगे। प्रीता, इट्स ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड? अरे इसकी तो क्लास ही अलग है। ऐसी ज्वेलरी, ये तो कभी आउट ऑफ फैशन ही नहीं होती है। तुम्हें पता है, इससे तो बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पहनती हैं, वो भी रेड कार्पेट पे। रियली? सच में बहुत सुंदर है, तुम यही पहनो। आई थिंक यू आर राइट। और इस पे तुम्हें ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। एक सेकेंड दिखा, देखो कितना अच्छा जा रहा है। तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम ही इसे पहन के दिखाओ। मैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो प्रीता, तुम्हारी ड्रेस और मेरा लहंगा सेम कलर का है, अगर तुम पहनोगी तो मुझे पता चलेगा ना। तो इसको रख के देख लो ना। इट्स ओके, चलो मेरे साथ। बाबा मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, इट्स फाइन। जस्ट वंस प्लीज। इज माय प्रिंसेस रेडी? भाई नहीं, भाई अभी तक नहीं। अच्छा बताइए ना, ये नेकलेस कैसा लग रहा है? अगर कोई लड़का इनके साथ ओपनली फ्लर्ट करे ना, तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे तो इनको तो ऐसे चिड़ आ जाती है कि मैं क्या बताऊं। भाई कब से कुछ पूछ रही हो, बताइए ना। चलिए अब जल्दी से बताइए नेकलेस कैसा है, टाइम नहीं है, कंफ्यूज्ड हो, बताओ ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कृतिका, इससे कहो कि नेकलेस 2 मिनट पहने रखे, मुझे कुछ चेक करना है। गीता,
थोड़ी देर और पहन लो ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है थोड़ा लूज है, नेकलेस टाइट करना पड़ेगा। मैं करता प्लीज। थैंक यू। तेरी कालियों कीड़ों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सॉरी मुझे लगता है अभी भी लूज है, थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा। मैं करता हूँ एक मिनट। ये जहाँ छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूँ ना रहूँ। वैसे इस नेकलेस में बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। काश मैं नेकलेस होता और तुम्हारे गले से लिपट जाता। मेरी सबसे टॉल फैन सही कह रही थी, मैडम को फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं। बड़ा मजा आ रहा है इसे सताने में। सॉरी। अच्छा भाई आपने बताया नहीं नेकलेस कैसा लग रहा है। मैं बस अभी यही कह रहा था कि नेकलेस बहुत अच्छा है। राइट ये कहा ना मैंने। परफेक्ट। इसका मतलब आपको भी पसंद है और प्रीता को भी। अब तो मैं यही पहनूंगी। अच्छा भाई आप जाइए ना प्लीज, मुझे ड्रेस ट्राई करनी है। भाई आपसे कह रही हूँ बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। ओके ओके। क्या यार, पहली बार मौका मिला था प्रीता को परेशान करने का। कोई बात नहीं, आज की पूरी शाम बाकी है, बहुत से मौके मिलेंगे। तुमसे तो किन किन के बदला लूंगा मिस साइको। इसको क्या हो गया, इतनी स्माइल क्यों कर रहा है। हेलो कहाँ खो गई। कहीं रितिका पुत्र तेरे लिए और भी ऑप्शंस लाए हैं, देख ले। अरे प्रीता तुम कब आई। बस अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की। रिमूव इट। मम्मा मैं ये हार पहनने वाली हूँ, प्रीता लव्स इट। निकालो इसे फास्ट। देखा कितना सुंदर लग रहा है तुम पे। जी मम्मा। हाँ कृतिका बहुत खूबसूरत लग रही है। मॉम की ट्रीटमेंट करने जाना था ना, गो। टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। प्रीता तू जा रही है पुत्र। अच्छा देख जो मैंने तुझसे बात की थी ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऋषभ से जल्द बात करके मुझे बता देना क्या जवाब देता है वो। भाभी। जी दीदी जरा एक मिनट इधर आइए ना। राखी जी कितनी अच्छी है, हर वक्त ऋषभ जी के बारे में सोचती। वैसे तो करीना जी भी गुस्सा करती हैं, एटीट्यूड दिखाती हैं, लेकिन जब उनकी बेटी की बात आती है तो एकदम मॉम बन जाती है। कितने प्यार से उसका नेकलेस ठीक कर रही थी, बाल ठीक कर रही थी, कपड़े डिसाइड कर रही थी। शायद माँ और बच्चों का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। माँ बच्चों को जन्म देती है और एक औरत
बच्चे को जन्म देने के बाद माँ बन जाती है, और बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ उनकी देखभाल करना नहीं भूलती। दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, मेरी भी तो माँ है, और उनके सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। 3 लाख रुपए मैं कहाँ से इकट्ठा करूं? मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खाना खाने के लिए भी पैसे हो। प्रज्ञा दी को बताऊंगी तो वो जरूर कुछ करेंगे। पता नहीं माने प्रज्ञा दी को हमारे रिश्ते के बारे में बताया कि नहीं, अवॉइड ही करती। प्लीज फोन उठा लो प्लीज। जब से प्रज्ञा की जगह मुनी आई है ना, मेरा काम और बढ़ गया। उसके साथ साथ इस फोन को भी संभालो। पता नहीं किसका है। हेलो हेलो प्रज्ञा दी, कौन बोल रहा है? मैं प्रीता बोल रही हूँ। आप प्रज्ञा जी बोल रही हैं? जी नहीं, प्रज्ञा कहीं बाहर गई हुई है। कब आएगी, कहाँ गई है, मुझे कुछ भी नहीं पता। सो बाय। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, बात बहुत अर्जेंट है। मुझे प्रज्ञा दी को बताना है कि हमारी माँ, मेरा मतलब कि उनकी माँ का जो कुमकुम भाग्य हॉल है ना, उसे छुड़ाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो हॉल सील हो जाएगा। ओह रियली? आई मीन आई एम सॉरी, क्या कहा आपने, कितने पैसे चाहिए? 3 लाख रुपए। और ज्यादा वक्त भी नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ता है। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह वेरी गुड, तो ये प्रीता के सर पे भी कुछ टेंशन है। अच्छा लगा सुनकर, शी डिजर्व्स इट।